हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि थंबनेल से पता ही चल रहा हो कि इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जो पीपीयू का रिवाइज्ड एडमिशन नोटिस आया है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि ये सभी को पता ही होगा कि पीपीयू में एडमिशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का एडमिशन ऑलरेडी चल रहा था, बट वैसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन पीपीयू से ही चल रहा था उनका फाइनल का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग था। लास्ट एक दो दिन में ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो अब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका है, तो अब वैसे भी स्टूडेंट जो वीवीयू से ही ग्रेजुएशन कर रहे थे वे भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है एंड फाइनली दे आर ग्रेजुएट, क्योंकि ग्रेजुएट होने का मजा ही अलग होता है। तो हम लोग फटाफट इस नोटिस को देखते हैं, नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस में यहाँ पे लिखा गया पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर वन रिवाइज्ड एडमिशन नोटिस विद द पार्शियल मॉडिफिकेशन इन मेमो नंबर दिस। ये जो मेमो नंबर है बेसिकली लास्ट एडमिशन का जो नोटिस आया था उसका ये नंबर है, उस लेटर का नंबर है। द डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू चांसलर पोर्टल फॉर एडमिशन इन सेमेस्टर वन ऑफ रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, ठीक है, इसका जो है डेट वगैरह बेसिकली यहाँ पे चेंज किया गया है, इज एक्सटेंडेड अप टू 29 सितंबर 2023। बेसिकली लास्ट जो एडमिशन का नोटिस आया था वीवीयू का ये 5 अगस्त को ही आ गया था। 5 अगस्त से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन स्टार्ट था और उसका लास्ट डेट जो था ये 16 नवंबर तक था। तो अभी ये 16 नवंबर को एक नोटिस आया, रिवाइज नोटिस आया जिसमें ये बोला गया है कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का जो डेट था ये 29/9/2023 तक बढ़ा दिया गया। मतलब अब जो अप्लीकेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद आगे क्या क्या टाइमलाइन दिया गया है इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे ये 29 सितंबर तक हम लोग को कर लेना है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो पहला मेरिट लिस्ट निकलेगा एडमिशन के लिए ये 4 अक्टूबर को निकलने वाला है। 29 सितंबर तक हम लोग को अप्लाई करना है और 4 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। उसके बाद 5 अक्टूबर से 5/10/2023 से 9/10/2023 तक डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग या सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस। अगर किसी का एडमिशन के लिए सिलेक्शन या तो डिपार्टमेंट में होगा यूनिवर्सिटी में या तो कॉलेजेस में, ठीक है। अभी तक जैसा कि पता होगा कि जो ग्रेजुएशन का कोर्सेस होता है ये मेनली कॉलेजेस में चलता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो क्लासेस है या कोर्स जो है ये यूनिवर्सिटी में चलता है, मेनली यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ साथ कुछ जो कॉलेज है वहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लासेस चलता है, कोर्सेस चलता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वहाँ पे जाके हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवा लेना है, 5 अक्टूबर 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक। डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कब स्टार्ट होगा, तो उसके लिए बोल रहा है 6 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक जो है ऑनलाइन एडमिशन का डेट होगा। इसके बाद आगे बोला गया एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली। जैसा कि ये सभी को पता होगा कि अभी जो हम लोग चांसलर पोर्टल में डेटा इंटर करते हैं, जो फिल करते हैं, वही हमारा मास्टर डेटा बन जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द कोर्स। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई की हो या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई की हो, तो जो डेटा हम लोग फिल करते हैं वही मेन डेटा हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि हम लोग वहाँ पे कोई भी चीज गलत फिल ना करें, ठीक है, सब चीज हम लोग को सही सही फिल करना है। अप्लीकेंट उसके बाद आगे यहीं पे बोला गया है क्या क्या हम लोग को ध्यान देना फिल करने में, विच लीड्स टू देयर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी इनकरेक्ट डेटा फिल करते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, तो उसके कारण हमारा हम लोग एडमिशन के लिए डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं, हमारा एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जा सकता है, ठीक है। एडमिशन विदाउट रिफंड ऑफ अप्लीकेशन फी या एडमिशन फी, और एडमिशन भी कैंसिल होगा प्लस जो एडमिशन के लिए हम लोग फी दिए या अप्लीकेशन के लिए फी दिए वो भी हमारा रिफंड नहीं होगा। फर्दर दे आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या नोटिफिकेशन एंड डेटेड अपलोडेड ऑन इट टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे बोला गया क्या क्या हम लोग को ध्यान देना है, फील कैटेगरी या कास्ट वेरी केयरफुली, ठीक है, ये सब हम लोग को ध्यान से भरना है। अगर इसमें एक बार जो हम लोग सेलेक्ट कर लिए कैटेगरीज हो या कास्ट हो, दैट विल बी नॉट मॉडिफाइड लेटर, ठीक है, ये बाद में चेंज नहीं होने वाला है। द एप्लीकेंट्स हु हैव अपीयर्ड एट
CUT-PG 2023. Need to fill the total CUT score in the figures of the paper related to the subject in which admission is to be taken. यहाँ पे basically ये बोलना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट CUT-PG के एग्जाम में अपीयर हुए थे उनको क्या करना है अपने एप्लीकेशन में, नीड टू फिल द टोटल CUT स्कोर, जो टोटल CUT स्कोर है पेपर रिलेटेड टू सब्जेक्ट इन विच एडमिशन इज टू बी टेकन, जिस पेपर में जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहा है तो हिस्ट्री का जो CUT का टोटल मार्क्स था वही एप्लीकेशन फॉर्म में अभी फिल करना है, एज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी वाइड मेमो नंबर, जो लास्ट इसका लेटर था उसमें ये चीज इसने बताया था, यूनिवर्सिटी ने बताया था। इसके बाद बोल रहा है द एप्लीकेंट हु हैज नॉट अपीयर्ड एट CUT-PG 2023, जो कैंडिडेट CUT-PG में अपीयर नहीं हुए थे मे आल्सो अप्लाई, वैसे भी कैंडिडेट एडमिशन के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। दे विल हैव टू फिल अप टू द मार्क्स ऑब्टेंड अप द दे हैव टू फिल अप द मार्क्स ऑब्टेंड इन कोर और ऑनर्स पेपर ओनली, ठीक है, जो कोर पेपर है या ऑनर्स का पेपर है, ठीक है, जो CUT का एग्जाम नहीं दिया वैसा स्टूडेंट को क्या करना है, जो कोर पेपर है या ऑनर्स पेपर है उसका ही मार्क्स हम लोग को यहाँ पे फिल करना है। इन VBU, जैसे VBU का केस में क्या है, फुल मार्क्स ऑफ कोर पेपर आर 1800, अगर जो VBU के स्टूडेंट है उसको ये पता होगा कि पूरे ग्रेजुएशन में जो हम लोग कोर पेपर पढ़ते हैं उसका टोटल हमारा 1800 मार्क्स है, और 1800 मार्क्स के अंदर जो हम लोग स्कोर किए हैं, जो हमारा फाइनल मार्क्स आया वही नंबर हम लोग को अभी एप्लीकेशन में फिल करना है। मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ CUT स्कोर, जो CUT का स्कोर है उसी के बेसिस पे अभी सबसे पहले मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद अगर सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं है या तो सीट वैकेंट रह जाता है तो उन कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स विदाउट CUT स्कोर विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन। यहाँ पे बेसिकली ये बोलता है कि पहले हम CUT का जो कैंडिडेट्स है उसको प्रेफरेंस देंगे, अगर उसके बाद भी हमारा सीट वैकेंट रह जाता है देन वैसे कैंडिडेट जो CUT में अपीयर नहीं हुए उनको भी एडमिशन के लिए कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मेनली बता दें कि जो विदाउट CUT वाले हैं वे भी आराम से अप्लाई करें क्योंकि एडमिशन तो हो जाएगा, ये बात पक्का है, क्योंकि यहाँ पे जो CUT में जिसका अच्छा स्कोर है या तो जो CUT वाले मेन कैंडिडेट्स है वो लोकल यूनिवर्सिटी को प्रीफर नहीं करते, वो जनरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल तो अप्लाई कर देना है जिसका जो CUT वाले कैंडिडेट्स हैं उसको भी और जो नॉन CUT वाले कैंडिडेट्स हैं उसको भी, एडमिशन दोनों का हो जाएगा, ये चीज मान के चल सकते हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड विदाउट फाइलिंग अप द फाइनल ग्रेजुएशन मार्क्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर डिटेल विद ओवरऑल मार्क्स ऑब्टेंड इन कोर पेपर एंड मार्कशीट इन द कंसर्न कॉलेज या एडमिशन सेल इन VBU कैंपस बिफोर 29 सितंबर 2023। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, अभी जो लास्ट एडमिशन का नोटिस आया था उसमें ये बोला गया था कि जो VBU के स्टूडेंट्स हैं, जो VBU के स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं आया, जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया फाइनल सेमेस्टर 6 का, उसको 1-5 सेमेस्टर का टोटल मार्क्स वहां पे फिल करने के लिए बोला गया था। अब क्या बोल रहा है कि जो जो कैंडिडेट्स उस टाइप के कैंडिडेट्स हैं, द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड विदाउट फाइलिंग अप फाइनल ग्रेजुएशन मार्क्स, जो फाइनल ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं फिल किए थे, 1-5 सेमेस्टर का ही मार्क्स फिल करके अप्लाई कर दिए थे, उसको क्या करना है, जो फाइनल मार्क्स है मतलब टोटल ग्रेजुएशन का मार्क्स 1-6 वो मार्क्स जाके एडमिशन सेल जो है यूनिवर्सिटी में वहां पे जमा कर देना है या कॉलेज में जमा कर देना है बिफोर 29 सितंबर 2023 से पहले अप्लाई कर देना है, क्योंकि इस टाइप के स्टूडेंट जो जिसका, क्योंकि लास्ट जो एडमिशन का नोटिस था उसमें ये बोला गया था कि जिसका सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा कैंडिडेट तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया बहुत सारा, तो उन कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये चीज बोला गया है कि जो अप्लाई कर दिया है और सेमेस्टर 6 का अब रिजल्ट आया उसको फाइनल मार्क्स जो है एडमिशन सेल जो यूनिवर्सिटी में बना हुआ है VBU कैंपस में वहां पे जाके जमा कर दे या तो कंसर्न कॉलेज में जाके जमा कर देना, तो ये बेसिकली नोटिस था, ठीक है। इससे रिलेटेड और अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई ट्राई टू एंसर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।